हेलो एवरीवन, वेलकम टू आजाद आईएएस एकेडमी। आजाद आईएएस एकेडमी के थीम प्रोजेक्ट भारत दर्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आजाद आईएएस एकेडमी के भारत दर्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत लेकर आया हूँ हिमालयन क्षेत्र में। अभी हम लघु हिमालय या गढ़वाल हिमालय में अवस्थित हैं। यहाँ से मैं आपको पूरे हिमालयी क्षेत्र को दिखाऊँगा और आज इसी के माध्यम से आपके सिलेबस की विषय वस्तु भूगोल की अवस्थिति में जो आपका हिमालयी क्षेत्र है, उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। मैं आपको पश्चिमी हिमालय दिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, उसकी पर्वत शिखरों को पढ़ाऊंगा, घाटियों को पढ़ाऊंगा, हिमालय की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में बताएंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा जितनी भी हिमालय से जुड़ी हुई जानकारी है, यहां तक कि प्राकृतिक वनस्पतियों को भी मैं आपको दिखाते हुए आपको बताऊंगा भी। यानी कि भारत दर्शन के माध्यम से आप पूरे सिलेबस को व्यवहारिक तर्ज पर देखेंगे। उत्तराखंड में मैं आज आया हुआ हूं, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में है, हम पौरी जिले में पौरी वाले क्षेत्र में है और यहाँ से हिमालय का मैं आपको विस्तृत लुक आपको अभी दिखाऊंगा और इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे जो है आज पूरी कंप्लीट क्लास यहाँ से करेंगे और पूरे हिमालय की विषय वस्तु को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले आप जो है देखिए, ये पूरा लघु हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु हिमालय की बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं यहाँ पर फैली हुई हैं। कुमायून क्षेत्र है, ये कुमायूं वाला रीजन, कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय का क्षेत्र है। और आगे जो है मैं आपको इसके बाद तुरंत बाद जो है आपको बृहत हिमालय का एक विस्तृत नज़ारा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि पीछे जो है सफ़ेद चादरों से जो है हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी और ये पर्वत श्रेणियाँ यही है बृहत हिमालय, है ना। जो आप सामने देख रहे हैं ये हिमालय बृहत हिमालय की छटा है, हिमाच्छादित चोटियां हैं। इसके बाद देखिए ये पूरा जो है लघु हिमालय भी यहाँ से दिख रहा है और ये काफ़ी दूर का नज़ारा है इसलिए काफ़ी स्पष्ट नहीं है। थोड़ा सा मौसम भी ख़राब है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं हिमाच्छादित चोटियाँ आपको दिख रही हैं और लघु हिमालय की रेंज दिख रही हैं। यहीं पर हम अवस्थित हैं और आज जो है आप लोगों को यहाँ से मैं हिमालय के बारे में एक विस्तृत व्याख्या दूंगा। आप इस छटा का अवलोकन कीजिए और आनंद लीजिए। हिमालय को मुख्य रूप से देखा जाए तो हम तीन भागों में बांटते हैं। प्रमुख भाग कौन सा है? पहला है आपका बृहत हिमालय क्षेत्र, है ना, बृहत हिमालय। बृहत हिमालय के बाद आप देखते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद शिवालिक रेंज। तो हम लघु हिमालय में अवस्थित हैं। अभी आप हिमाच्छादित श्रेणियों को देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि हिमाच्छादित श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मौसम खराब हो जाने के कारण से बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर आप उसे देख पाएंगे। अब मैं आज आपको यहाँ से विस्तृत और व्यवस्थित क्लास आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो जो क्वेश्चन आते होंगे, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर, उनका क्रम, पूरब से पश्चिम क्रम, उत्तर से दक्षिण, पर्वत श्रेणियों का क्रम, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां, वो सारी विषय वस्तु आप मेरे से समझेंगे और व्यवस्थित जान पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हिमालयी क्षेत्र में आप देख रहे हैं ये पूरा घना जंगल आपको दिख रहा है। प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, आप पढ़ते हैं पर्वतीय वनस्पतियाँ और पर्वतीय वनस्पतियों में हम देखते हैं कोणधारी वन होते हैं। तो कोणधारी वनों का एक विस्तृत स्वरूप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देवदार, चीड़, स्प्रूस, है ना, ये वनस्पतियाँ हैं। हम ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं हैं, है ना, पश्चिमी हिमालय में है लेकिन लघु हिमालय में है। ज़्यादा ऊंचाई है आपका बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय चोटियाँ ज़्यादा ऊंची हैं और वो ऊपर जाकर के हिमाच्छादित हो जाती है। हिमरेखा आपकी 4000 मीटर से ऊपर प्रारंभ हो जाती है और 4000 मीटर के ऊपर वनस्पति विहीन क्षेत्र होते हैं। चलिए मोटा मोटी में पहले आपको हिमालय के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देता हूँ, फिर आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, देखिए उत्पन्न कैसे हुई, कैसे बनी हिमालय पर्वत श्रेणी, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं, हिमालय जो रेंज है ये तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियों की विस्तृत श्रृंखला है। ये विस्तृत श्रृंखला पूरब से पश्चिम विस्तृत है, ठीक है। भारत में इसका कुछ हिस्सा है, तिब्बत वाले क्षेत्र में भी है, इसका कुछ हिस्सा जो है आपका नेपाल वाले क्षेत्र में है और कुछ हिस्सा जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र पर है। यानी पश्चिमी हिमालय नेपाल वाला क्षेत्र है हिमालय का और इसके बाद जो है आपका पूर्वी हिमालय है। तो पश्चिमी हिमालय पर हूँ मैं अभी और यहाँ से आपको सारी जानकारी दूंगा। हिमालय के तीन प्रमुख रेंज, पहले है बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालयाज, फिर लघु हिमालयाज और इसके बाद जो आपका आता है वो है शिवालिक रेंज,
जो कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, एक बलित पर्वत है, और हिमालय के उस पार का क्षेत्र जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से आप जानते हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र में जो ट्रांस हिमालय है, और जम्मू कश्मीर में भी जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ना। तो आज जो है मैं सबसे पहले आपको हिमालय पर्वत श्रेणियों, अब हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत व्याख्या समझेंगे, हिमालय बना कैसे है ना। एक पर्सन है कोबर, कोबर ने हिमालय नहीं बरन विश्व की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो बनी हैं, इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति के बारे में एक विस्तृत संकल्पना दी, विस्तृत बातें, जिसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहा। कोबर ने कहा कि पहले यहाँ पर 33 भूसन्नति थी, है ना, 33 भूसन्नति, जैसे कि आज भी उसने बताया है कि बहुत सारी भूसन्नतियाँ आज भी हैं जहाँ पर आने वाले समय पर बहुत सारी पर्वतमालाएँ आ सकती हैं। वैसे ही उसने कहा कि यहाँ पर 33 भूसन्नति थी, दो अग्र फोर लैंड थे यानी अग्र देश थे, है ना, एक आपका जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है और दूसरा आपका जो यूरेशिया प्लेट है या फिर अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो इनके बीच की जो 33 भूसन्नति थी, इन दोनों क्षेत्रों पर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बहने वाली जो नदियाँ थीं, इन नदियों के द्वारा लगातार 33 भूसन्नति पर औसादी जमाव किया गया, और औसादी जमाव का दबाव जब पड़ा, ठीक है, तो कालांतर में यहाँ पर बलन की प्रक्रिया हुई, और बलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। बीच में समतल सपाट या उठा हुआ हिस्सा तिब्बतन पठार है, और उधर कुनलुंग श्रेणी है जो चाइना में है। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ये प्रयास करता है हिमालय की उत्पत्ति की एक सर्वश्रेष्ठ व्याख्या देता है और बताता है कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई, 33 भूसन्नति को महत्वपूर्ण कारक के रूप में बताने का प्रयास करता है। तो कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति की सर्वोच्च व्याख्या कौन करता है, तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। एक दूसरा विषय वस्तु है, वो है आपका प्लेट वर्तनी के सिद्धांत। प्लेट वर्तनी के सिद्धांत भी विश्व में जहां जहां पर भी पर्वतमालाएं हैं उनके उत्पत्ति की व्याख्या करता है, चाहे वो रॉकी हो, चाहे एंडीज हो, है ना, चाहे आल्पस हो। तो बलित पर्वतों की उत्पत्ति में प्लेट वर्तनी के सिद्धांत, जो कि आधुनिक संकल्पना है, तो प्लेट वर्तनी के सिद्धांत ये बताता है कि पूरा विश्व जो है, पूरा जो ग्लोब है या फिर जो पृथ्वी है, वो बड़ी बड़ी 7 बड़ी प्लेटों पर जो है बटी हुई है, और बाकी छोटे छोटे काफ़ी प्लेटें हैं। उसने बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें भारतीय भूभाग अवस्थित था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक हिस्सा जो कि गोंडवाना लैंड का भाग था, दूसरा यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा जो कि आपका उत्तर में अवस्थित है, इन दोनों के मध्य में एक विशाल सागर था जिसे तिथिस सागर कहते हैं। ये घटना तब है जब पहले पेंजिया था, पेंजिया का विखंडन हुआ, एक महान विशाल जलराशि थी जिसे पैंथालेसा कहते हैं, और उसके बाद जो है उत्तर पूर्व की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भ्रमण हुआ, धीरे धीरे ऊपर पहुँचना शुरू किया, खिसकना चालू किया। तो दोनों जब प्लेटें आपस में नज़दीक आईं, तो नज़दीक आने के कारण से जो तिथिस सागर था उसमें जो औसादी जमाव था उस पर बलन पड़ गया, है ना, दोनों प्लेटों के नज़दीक आने के परिणाम से। चूंकि दोनों महाद्वीपीय प्लेटें थी, यूरेशियन प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट होती है और आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट थी, दोनों प्लेटें आपस में मिली तो यहाँ पर बलन की प्रक्रिया हुई, और इस बलन की प्रक्रिया के माध्यम से ये देख सकते हैं ये जितना भी है आप हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, है ना। तो दो प्रमुख संकल्पना है, प्लेट वर्तनी के सिद्धांत और दूसरा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों ने हिमालय को की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है, ठीक है। इसके बाद हिमालय के बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। करते हैं हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया कि हिमालय जो है तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है, बृहत हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, और फिर आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। बृहत हिमालय के उस पार का हिमालय ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय में यदि भारत में बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रेणी आपकी है, सब जानते हैं, है ना, काराकोरम में ही अवस्थित है केटू गाडवी नास्टिन, है ना। केटू गाडवी नास्टिन जो है ये भारत की दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट है वो, लेकिन वो हिमालय पे अवस्थित है। केटू गाडवी नास्टिन हिमालय में अवस्थित नहीं है, कहाँ पर अवस्थित है, ट्रांस हिमालय में अवस्थित है यानी काराकोरम में है, और भारत चूंकि वो पीओके वाले क्षेत्र में है तो भारत में सबसे ऊंची चोटी वो पीओके, चूंकि भारत का ही क्षेत्र है, आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रूप में है, तो वो भारत की सर्वोच्च चोटी के रूप में जानते हैं। लेकिन यदि हम ये कहें कि हिमालय में अवस्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी कंचनजंगा, चूंकि जो एवरेस्ट है वो आपकी नेपाल में अवस्थित है, है ना। चलो ये अलग विषय वस्तु है, मैं आपको बड़े आसान भाषा में चीजों को पहले बताना शुरू करता हूँ। तो हिमालय में आपकी जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में काराकोरम है, काराकोरम के तुरंत बाद लद्दाख है, और लद्दाख के बाद आपकी जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है वो है जास्कर। ये तीनों क्रम से याद कीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सजाने को आता है। इसके बाद आपका ग्रेट हिमालयन है, ग्रेट हिमालयन में पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, पीर पंजाल के
बाद जो है आपका धौलधार है, ठीक है, पीर पंजाल के बाद आपकी धौलधार श्रेणी है, और इसके बाद जो है आपका ये लघु हिमालय रेंज है। धौलधार जो है हिमाचल प्रदेश का जो रेंज है पूरा, और उसी में गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल में महाभारत श्रेणियाँ, नाग तिब्बत श्रेणियाँ, फिर यही जाके नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में डेवलप हो जाता है, जाकर के वहाँ पे हिमालय संकीर्ण हो जाता है ना। उसी तरीके से अब आगे बात करते हैं हम लोग शिवालिक रेंज, जो आपकी शिवालिक रेंज है ना, शिवालिक रेंज सबसे नवीनतम है ये समझ सकते हैं। शिवालिक के नीचे यदि आएंगे तो तराई वाला रीजन है, भाबर का क्षेत्र है, नदियां यहाँ से जो हिमालय से निकलती है, हिमालय नदियों का बड़ा स्रोत है, भारत की जितनी नदियां हैं हिमालय क्षेत्र से बड़े रूप में निकली हुई हैं, और सदा नीरा नदियां हैं, ठीक है। तो नदियां अपने साथ बड़े बड़े भूखंडों को, बड़े बड़े विशाल पत्थरों को, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, विशाल पत्थरों को ला करके अपने जो है पर्वत पादीय क्षेत्र पर इकट्ठा कर देती है, इसे भाबर वाला क्षेत्र कहते हैं। और भाबर के नीचे का जो क्षेत्र है वहां पर नदियां भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। इसके नीचे वाला क्षेत्र है तराई वाला रीजन है पूरा, समझ रहे हैं, तराई वाले रीजन में सारी नदियां एक साथ निकलती हैं और पूरा जलमग्न क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं नमी युक्त क्षेत्र होता है, आर्द्रता युक्त क्षेत्र होता है। तो तराई रीजन, और तराई के बाद फिर मैदान चालू हो जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वहां पर नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, जहां पर बांगर और खादर के रूप में उसे जानते हैं, पुरानी जलोढ़ बांगर के रूप में, फिर खादर। तो अब पढ़ रहे हैं हम लोग हिमालय, तो हिमालय को ही मैं काफी डिटेल से आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वत में जो बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय में बहुत सारी पर्वत चोटियां आपने वहां पे अवस्थित है, ठीक है। बृहत हिमालय अब आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, बृहत हिमालय जो है विस्तृत रूप से जो है सफेद हिमाच्छादित चोटियां हैं, सारी चोटियां 7,000-8,000 मीटर ऊंची हैं, है ना। तो इन चोटियों में आप ये देख पा रहे हैं कि ये चोटियां जितनी भी हैं सभी चोटियां हिमाच्छादित हैं, हिम से ढकी हुई हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि विश्व की जो टॉप 10 पर्वत चोटियां हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी ये सभी पर्वत चोटियां आपकी हिमालय में ही अवस्थित हैं, समझ रहे हैं, विश्व की टॉप 10 पर्वत चोटियां हिमालय में ही अवस्थित है, सबसे ऊंची पर्वत चोटियां, सबसे ऊंची एवरेस्ट है। लेकिन एक क्रम से देखते हैं, मैं आपको पूर्व से पश्चिम का क्रम बताता हूँ। सबसे पहले आपकी नामचा बरुआ, नामचा बरुआ पूर्वी हिमालय में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत वाले क्षेत्र में। नामचा पर्वत के पास आते हैं तो सिक्किम में है कंचनजंगा, भारत की हिमालय में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, है ना। कंचनजंगा के बाद जो है हम आएंगे तो कंचनजंगा के बाद जो है आपकी आती है मकालू, मकालू, ठीक है, कंचनजंगा, मकालू, मकालू के बाद एवरेस्ट पर्वत शिखर है, एवरेस्ट के बाद आपकी मनसालू है, मनसालू के बाद आपकी इसके बाद जो है अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा के बाद आपकी धौलागिरी है, इसके बाद नंदा देवी, फिर यहाँ पर बहुत सारी पर्वत शिखर हैं, आगे जाकर के वहाँ पर नंगा पर्वत। तो मैं पर्वतों का पूरा क्रम, पर्वत शिखरों का पूरा क्रम, ये सारी चीजें आपको बताता हूँ अभी, और सारी चीजें आप जान पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी मिलते हैं हम लोग। तो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में आपने जाना, हमने देखा कि बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी है, है ना, ये बृहत हिमालय रेंज ही है, थोड़ा सा अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अभी से, बृहत हिमालय के बाद लघु हिमालय है, और फिर आपका शिवालिक पर्वत है, और यहाँ पे बहुत सारे पर्वत शिखर हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, एवरेस्ट पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है। मैंने क्रम से बताया था नामचा बरुआ, नामचा बरुआ के बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, मकालू के बाद आपका एवरेस्ट है, एवरेस्ट के बाद जो है आपका है मनसालू, और मनसालू के बाद जो है आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, फिर नंदा देवी, है ना, इसके बाद नंगा पर्वत है। उत्तराखंड में बहुत सारे पर्वत शिखर हैं, जैसे कि ये सारे पर्वत शिखर ही हैं, पीक्स पे ही पीक्स ही हैं, जैसे कामेत है आपका, यहाँ पर आपका एक त्रिशूल है, है ना, कामेत है, त्रिशूल है, नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब पर्वत शिखरों पर ही अवस्थित है, और यही चारों धाम के रूप में भी है। तो हिमालय के बारे में आज अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर हिमालय के दर्रों के बारे में। देखिए काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर एक काराकोरम दर्रा है, जो कि आप जानते हैं भारत चाइना के बीच में एक आर्थिक कॉरिडोर जो है वहीं से निकल के आ रहा है, तो काराकोरम दर्रा है। फिर खारदुंगला दर्रा है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन के दर्रे हैं, खारदुंगला दर्रा है। दो दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला दर्रा है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा से ही जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो रास्ता है बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। दर्रे हैं क्या, दर्रे दो पर्वतीय क्षेत्रों में समतल सपाट रास्ते हैं, है ना,
समतल सपाट रास्ते हैं जहाँ पर ये प्रतीत होता है कि पहले कभी नदियाँ बहती रही होंगी। तो यहाँ पर आपका बनिहाल दर्रा है, बनिहाल के बाद जो है ऊपर जाएंगे तो जोजिला दर्रा है ना। जोजिला से श्रीनगर से लेह जाने वाला रास्ता जोजिला पास से ही होकर के जाता है। इसके बाद बुरजिल है आपका, है ना, बुरजिल है, जोजिला है, बनिहाल है, खारदुंगला है, काराकोरम है, ये प्रमुख दर्रे हैं आपके जम्मू कश्मीर के, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में, सीपी किला दर्रा आप सब जानते हैं, सीपी किला है, बाड़ा लाचला है और रोहतांगला है, ये दो प्रमुख दर्रे हैं, है ना। और मंडी से जो है लेह जाने वाला रास्ता जो है आपका बाड़ा लाचला से होकर के जाता है, मंडी श्रीनगर से आप होकर के जा सकते हैं। इसके बाद जो देखो ये रास्ते, ये दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट हैं ऐतिहासिक दौर पर देखें, ये जो खैबर दर्रा पूरा, ये सब जितने भी मध्य एशियाई जनजातियाँ भारत में प्रवेश करी इन्हीं दर्रों के माध्यम से, चूँकि इन दर्रों ने एक सुगम रास्ता प्रदान कर दिया और इस सुगम रास्तों के कारण से लगातार भारत में बहुत सारे लोगों का आवागमन बना रहा। यानी कि भारत को मध्य एशिया से जोड़ने के लिए, या फिर भारत से ही बात करें तो भारत में उत्तराखंड में लिपुल एक दर्रा है, माणाला है, नीतिला है, ठीक है। इन दर्रों से भी हम चाइना जाते हैं, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है लिपुल एक दर्रे से होती है, ठीक है। और या फिर जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेड होता है, इन दर्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हिमालय में अवस्थित उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे आपका लिपुल एक है, माणाला है, नीतिला है, ठीक है, मुनिंगला है, ठीक है। इसके बाद जो है हम आते हैं सिक्किम वाले क्षेत्र में, दो प्रमुख दर्रे हैं, जेपेला और नाथुला। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, प्रमुख दर्रा है बुमला, बोमडीला, है ना। तो ये जो है हिमालय में अवस्थित समतल सपाट रास्ते दर्रों के रूप में है, आपको दर्रे जानने चाहिए। इसके बाद जो है पर्वत शिखर मैंने आपको बता दिए, दर्रों के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहां पर घास के मैदान है, हरे घास के मैदान है, है ना। और हरे घास के मैदान जो है कश्मीर वाले क्षेत्र में, इनको मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग है, है ना, घाटी वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे खूब बड़े बड़े घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर इनको कश्मीर वाले क्षेत्र में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये पूरे घास के मैदानी क्षेत्र हैं। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। फूलों की घाटी है यहाँ पर उत्तराखंड में, बड़ा मतलब आप उसको देखेंगे बड़ा रोमांचकारी जगह है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग, कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ यहाँ के पर्वतीय जनजीवन के बारे में। सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं, यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं। ऐसा है कि आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि घर किस तरीके से बने हुए हैं। देखिए नज़दीक देखिए, पहाड़ों को काट कर एक अजीब कारीगरी की गई है। मैदानी क्षेत्रों में तो हम कच्चे घर देखते हैं, यहाँ पे कच्चे घर आपको कहीं दिखेंगे नहीं, जितने भी घर हैं बिल्कुल पक्के घरों के रूप में हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है ये, और इतनी शानदार आप इस पूरे लोकेशंस में देख रहे हैं, कितना शानदार आबो हवा के रूप में लोग जीवन जीते हैं। प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक स्थल के रूप में इसे देख सकते हैं आप। यदि बहुत बीमार हो, मैं कहता हूँ 10 दिनों के लिए आ जाइए, आपका पूरा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। यहाँ पे कृषि करने का एक तरीका आपको देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ीदार खेत आपके जस्ट सामने देख सकते होंगे, सीढ़ीदार खेत हैं, है ना, यहाँ पर लोग खेती करते हैं। सीढ़ीदार ये खेत क्यों, या ये खेती मैदानी क्षेत्रों में नहीं की जाती, मैदानी में तो समतल सपाट क्षेत्र होते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मृदा अपरदन बड़े स्तर का होता है। मान लीजिए वर्षा हुई, वर्षा के बाद मिट्टी का पूरा कटाव हो गया तो उपजाऊपन खत्म हो जाता है मिट्टी का। तो ऐसा करते हैं कि खेतों को सीढ़ीदार में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ऊपर से यदि मृदा कटाव हो भी रहा है तो नीचे आकर के, और नीचे बेड़े बनाई गई हैं, बहुत ही शानदार तरीके से खेती की जा रही है। बाकी आर्थिक जनजीवन बड़ा दुर्गम है। मैं आपको यहाँ की कुछ सड़कें दिखाता हूँ, ठीक है, आइए मैं आपको कुछ सड़कें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए घाटियों में कैसे कैसे रास्ते हैं, ये कैसे कैसे देख रहे हैं, पूरा सर्पिलाकार रास्ते जा रहे हैं, सर्पिलाकार रास्ते हैं, पूरी बड़ी घाटी है, थोड़ा सा भी चूके तो पूरी की पूरी आपकी गाड़ी या बस खंती में चली जाती है, बहुत दुर्घटनाएं भी होती हैं। लेकिन यहाँ के जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, इस पूरे आबो हवा से परिचित होते हैं, और ये कह सकते हैं कि उनको बिल्कुल एक तरीके से रास्ते ऐसे याद होते हैं, बड़ा अजीब है। और पहाड़ भी लगातार, भूस्खलन की यहाँ पर समस्याएँ आती हैं, जब बरसात का मौसम होता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, और पर्वत से लगातार पत्थर गिरने की समस्याएँ देखते रहते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक है कि पहाड़ी लोगों का जनजीवन कैसा है। रात्रि का आप यहां पर देखें तो बिल्कुल जगमगाता हुआ पहाड़, ऐसा लगेगा कि जैसे पहाड़ पे पूरी लाइटिंग और लोग रह रहे हैं, कैसे कैसे ऊंचाइयों पे लोग रह रहे हैं, बड़ा हतप्रत कर देने वाला यह दृश्य रहता है। और जब आप यहां पर कभी आएंगे तो आप देखेंगे तो आप खुद आश्चर्यजनक हो जाएंगे, ठीक है। तो सड़कें
आपने सरकार किस स्तर से यहाँ पर डेवलपमेंट कर रही होगी, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन एक चीज़ समझिए, कुदरत के साथ ये एक तरीके से छेड़छाड़ है, बड़े स्तर की छेड़छाड़ है। अभी यहाँ पर रेलवे डेवलप की जा रही है, यहाँ पर देख रहे हैं हर जगह पर आपको बिजली के खंभे दिख जाएंगे, तो हर जगह बिजली पहुँच गई है। देखिए पर्वतीय क्षेत्र है लेकिन हर जगह विद्युत है, विद्युत कहीं नहीं है। जल की समस्या का समाधान कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में भी बोरिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब करके ऊपर जल भी आता है, मतलब क्या शानदार जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। और लेकिन दुर्लभ है जीवन, इतना आसान नहीं है। देखने में हमें आसान लगता है, जब मैदान तक पहुँचना होता है तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 घंटे की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो एक बड़ा रोमांचकारी है, स्वास्थ्यवर्धक है, ठीक है, लेकिन जीवन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आधारभूत चीज़ें ऊपर जब मैदान से पहाड़ तक पहुँचती हैं लोगों के पास, यहाँ पे पूरे बड़े बड़े बाज़ार आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पर ना मिले। बढ़िया रहने की आपको अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, खाने पीने की खूब बढ़िया सुविधा, सारी चीज़ें यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित की गई हैं। लोग रह रहे हैं, लोग सहज भी हैं, यहाँ के लोग मैदानी क्षेत्रों को ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, पॉल्यूटेड क्षेत्र होते हैं मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका बिल्कुल मन और दिमाग पूरा शांत हो जाएगा। आध्यात्मिक जनजीवन के लिए इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती है। तो आप कभी आध्यात्मिक यात्रा करना चाहें, टूरिज़्म करना चाहें, पर्यटन करना चाहें, तो आप आइए इन क्षेत्रों को और घूमिए, है ना। चलिए मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हिमालय के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पर्वत श्रेणियों के बारे में आपको बता दिया, पर्वत शिखरों के बारे में बता दिया, घाटियों के बारे में कुछ चर्चा हो गई हमारी, है ना, हमारी चर्चा हो गई, जो है दर्रों को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हो गई। अब बात करते हैं हिमालयी, जो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में बहुत सारी, ये जो आपकी तीनों रेंज मैंने बताई, एक बृहत हिमालय बताया, फिर लघु हिमालय बताया और शिवालिक हिमालय, पश्चिम वाले क्षेत्र में तो ये दूर दूर हैं, देख रहे हैं पर्वत श्रेणियाँ दूर 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 तक बिखरी हुई हैं। लेकिन ये जब पूर्वी क्षेत्र में पहुँचती हैं तो ये जा करके क्या हो जाती हैं, आपस में मर्ज हो जाती हैं, काफ़ी संकीर्ण हो जाती हैं और इस कारण से विखंडित भी हो जाती हैं। तो उत्तर पूर्व में यही हिमालय जाकर विखंडित हो जाता है और वहां पर इसकी मैं पर्वत श्रेणियों के नाम आपको बताता हूं। पहला है वहां पर अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां पर डाफला है ना, क्रम से देखते हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, जनजातियां हैं, जनजातियों के नाम से ही पर्वत श्रेणियों के नाम भी रखे गए हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे तो नागालैंड में आपकी पटकोई भूम है, वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से दोनों वाले क्षेत्र में फैली है और वहाँ पे नागा पहाड़ियाँ हैं, पटकोई भूम, नागा पहाड़ियाँ। नीचे आते हैं तो मणिपुर है, मणिपुर पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। नीचे आते हैं तो मिज़ोरम वाले क्षेत्र में मिज़ो पहाड़ियाँ हैं, है ना, त्रिपुरा वाले क्षेत्र में त्रिपुरी पहाड़ियाँ हैं। असम वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ हैं, रेगमा पहाड़ियाँ, बराइल पहाड़ियाँ हैं। और इधर आइए आप जो है मेघालय वाले क्षेत्र में, तो मेघालय वाले क्षेत्र में आपको बहुत शानदार पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। वहां पर आप देखते हैं गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, मेघालय हमारा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार ही है जो मेघालय तक विस्तृत था, लेकिन बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी उसे काट दिया और उसे राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। राजमहल पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है और गारो पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा है, तो उसे मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो भी पहाड़ियों पर पूरा विकसित है। एक बार फिर से मैं उनकी सारी पर्वत, छोटी छोटी पर्वत पहाड़ियों के बारे में बताऊंगा। उत्तर पूर्व की पहाड़ियां डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पहाड़ियां आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। पटकोई भूम और नागा पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वाले क्षेत्र में है। इसके बाद जो है नीचे आते हैं तो यहां पर है आपकी मणिपुर पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, त्रिपुरी पहाड़ियां, फिर ऊपर जाएंगे तो बराइल पहाड़ियां, रेगमा पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां और गारो, खासी, जयंतिया, ये प्रमुख जो है नॉर्थ ईस्ट की पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में टाइगर हिल्स है, टाइगर हिल्स आपने सुना होगा, काफ़ी नाम फेमस है, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वहाँ पर, है ना, उस वाले क्षेत्र में। और ये हो गई जितनी भी उत्तर पूर्व की पहाड़ी वाली क्षेत्र, हिमालय के तीनों हिस्से। अब देखो हिमालय को उत्तर से दक्षिण विन्यास और पूरब से पश्चिम विन्यास दो प्रमुख भूगोलविद्ताओं ने बांटा है। आपने नाम सुना होगा बाड़िया महोदय ने, बाड़िया महोदय ने ही हिमालय का जो है उत्तर से दक्षिण विन्यास बांटा है। मैं आपको बड़े आसान भाषा में चीज़ों को बताता हूँ। ट्रांस हिमालय है और बृहत हिमालय है, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को सचर जोन अलग करता है, सचर जोन ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करता है। इसके बाद बृहत हिमालय को लघु हिमालय से,
बृहत हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करने के लिए उसके उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा बृहत हिमालय लघु हिमालय से पृथक होता है और लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा लघु हिमालय शिवालिक से अलग होता है और ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से सचर जोन के द्वारा और बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। इसके बाद जो है शिवालिक का क्षेत्र, शिवालिक के नीचे भाबर का क्षेत्र है, नदियों द्वारा जो बड़े बड़े बोल्डर्स ला करके इकट्ठे कर दिए जाते हैं जहाँ से नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद जो है आपका उसके नीचे आएंगे तो तराई वाला क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ आ जाती हैं और उसके नीचे जाएंगे तो आप बहुत सारे क्षेत्र देखेंगे। पहला आप जो है तराई के बाद जो है फिर आपका जलोढ़ मृदा है जो खादर और बांगर के रूप में आप देखते हैं, ठीक है, ये पूरा क्रम है। दूसरे हैं सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने हिमालय का पूरब पश्चिम से पूरब विन्यास निर्धारित किया है नदियों के आधार पे। सतलज नदी है आपकी, है ना, सतलज नदी से लेकर के आपका जो ये वाला क्षेत्र है सिंधु नदी से सतलज नदी का क्षेत्र जितना भी है, इस नदी वाले क्षेत्र को बोलते हैं कुमाऊं पंजाब हिमालय, है ना। सिंधु नदी से सतलज नदी तक के क्षेत्र को पंजाब हिमालय के नाम से जानता है। इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, पंजाब हिमालय भी कहते हैं, है ना। और जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी से इधर का जितना भी क्षेत्र है, जो आपका यहाँ पर ये शारदा नदी है तो ये या काली नदी के नाम से जानते हैं, ये पूरा आपका जितना भी है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी सतलुज से लेकर काली नदी तक का क्षेत्र है ये आपका कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड वाला हिमालय, गढ़वाल हिमालय, उसी पे खड़े हैं हम लोग। सिडनी बुराड ने बताया कि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है इसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं और तीस्ता नदी से लेकर के आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है इसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, सिंधु से सतलुज का क्षेत्र पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी से लेकर के यदि हम आते हैं आपका काली नदी तक, तो काली नदी तक का क्षेत्र, काली नदी तक का क्षेत्र, इसको कट कर दीजिए, हाँ, तो काली नदी से लेकर के जो मैं आपको सिडनी बुराड के द्वारा हिमालय का एक जो व्याख्या उन्होंने की पश्चिम से पूरब विन्यास बताया उसके बारे में चर्चा कर रहा था। तो सिडनी बुराड ने बताया कि सिंधु से लेकर सतलज तक नदी तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसके बाद उन्होंने बताया कि सतलज से लेकर के आपका जो काली नदी वाला क्षेत्र है, काली नदी तक के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं या गढ़वाल हिमालय बोलते हैं और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को आप नेपाल हिमालय बोलते हैं और वहाँ से लेकर के नेपाल हिमालय से लेकर के जो आपका तीस्ता नदी है, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को असम हिमालय बोलते हैं। तो बाडिया मोहड़े ने उत्तर से दक्षिण विन्यास बताया जिसमें मैंने आपको बताया कि सचर जोन जो है ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को अलग करता है, फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ही सिडनी बुराड के द्वारा जो है पश्चिम से पूरब विन्यास भी निर्धारित किया गया है। तो ये हिमालय के बारे में एक विस्तृत चर्चा हमारी थी, ठीक है। के हिमालय के इस पूरे एपिसोड में जो हमने समझा हिमालय की अवस्थिति कहाँ पर है, हिमालय जो है भारत के जो उत्तर भारत का मैदान है उसके उत्तर में अवस्थित है, है ना, और भारत का सबसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है जो कि भारत को एक भौगोलिक रूप से बांधता है, भारत के भौगोलिक संरचना प्रदान करता है। हिमालय में हमने देखा कि ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, ये इसका विस्तार है। इसमें पर्वत शिखरों के बारे में जाना हमने, इसमें दर्रे जो हैं यानी दो पर्वतों के बीच में समतल सपाट रास्ते हैं उनके बारे में जाना हमने, ये जाना कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, प्लेट व्योतनी के सिद्धांत जो हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, उन दोनों के बारे में जाना कि किस प्रकार से कोबर ने बताया कि यहाँ पर पहले टेथिस भूसन्नति थी और टेथिस भूसन्नति के कारण ही यहाँ पर जो है अवसादी जमा हुआ नदियों के द्वारा और बाद में कालांतर में बलन प्रक्रिया के द्वारा जो अवसाद जमा हुए उन्होंने दबाव बनाया और यहाँ पर हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार और कुनलुन शान, ये आपने आपको बताया कोबर ने। और इसके बाद प्लेट व्योतनी के सिद्धांत में भी जो आपका गोंडवाना लैंड है और यानी कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है जो आपस में मिलती हैं और बलन के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति होती है और सबसे नवीनतम पर्वत के रूप में, नवीनतम बलित पर्वत के रूप में विकसित है हिमालय, तो इन सभी विषयों के बारे में जाना। इसके बाद जो है हमने हिमालय के उत्तर पूर्व की सारी पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा हिमालय की जो प्रमुख घाटियाँ हैं, कुल्लू कांगड़ा घाटी है, कश्मीर घाटी है ना, घाटी मतलब पर्वत का जो नीचे का क्षेत्र होता है, दो पर्वत के नीचे का
का क्षेत्र जहाँ पर चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैंने पर्वतीय जनजीवन के बारे में बताया, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में भी आपको चीज़ें बताई कि किस प्रकार से यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पर्वतीय रूप पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये कोणधारी वन ट्रेंगुलर रूप ले लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि ये अपने आप को सुरक्षित रख सके यहाँ के हिमाच्छादन से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठंडी के टाइम पीरियड पे, ठंडी के समय पर जब यहाँ पे मानसून लौटता है भारत में, भारत चूंकि मानसूनी जलवायु वाला उष्णकटिबंधीय प्रदेश की जलवायु है भारत की, और उष्णकटिबंधीय जलवायु हिमालय ही प्रदान कराता है, तो यहाँ पर ठंडियों वाले सीजन पे यहाँ पर खूब बड़े स्तर की बर्फबारी होती है। बर्फबारी क्यों होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, और ये पश्चिमी विक्षोभ कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ भूमध्य सागर के जो प्रतिचक्रवात है, निम्न दाब के चक्रवात हैं, उन चक्रवातों का जल जो है पछुआ जेट पवनों के माध्यम से पहुंच जाता है भारत तक, है ना। जेट पवने होती हैं, जेट पवने भारत के ऊपर उपस्थित हो जाती हैं और वहां से जल लेकर के आती हैं निम्न दाबीय गर्तों से, और वो भूमध्य सागर का जल यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में चूंकि तापमान बहुत कम होता है, तो तापमान कम होने के कारण से यहां पर बर्फबारी होती है और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में दिसंबर से जनवरी फरवरी में जो वर्षा होती है, जो कृषि के लिए भी काफ़ी अच्छी है और ये पर्यटक स्थल विकसित हुए हैं उसी के कारण, तो पश्चिमी विक्षोभ का कारण होता है, हिमालय क्षेत्र को और खुशनुमा बनाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी पूरी जानकारी जो हिमालय के बारे में थी, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई, निश्चित तौर पर आप इससे लाभान्वित हुए होंगे और आप लोग जो है इसी तरीके से भारत दर्शन जो प्रोग्राम है इसको प्रोत्साहित करते रहिए, बताते रहिए, फीडबैक देते रहिए और इसको कितना बेहतर किया जाए, धीरे धीरे इसको और बेहतर किया जाएगा। मैं आपको भारत दर्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से सारी चीज़ें बड़ी व्यवहारिक बना दूंगा, पूरे सिलेबस को आसान कर दूंगा, एक एक चीज़ें आपको जाकर के दिखाऊंगा और धीरे धीरे आपका ज्ञानवर्धन होगा, पूरा सिलेबस ऐसे ख़त्म होगा, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं UPSC हो, PCS हो, SSC हो या फिर जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पर GS पूछी जाती है, भौगोलिक अवस्थिति ऐसे देखेंगे और इसके साथ साथ भारत की खूबसूरत छठा का पर्यटन का नज़ारा लेंगे मेरे साथ। तो भारत दर्शन प्रोजेक्ट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर के चलेंगे, आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।